हेलो एवरीवन, मैं 30 दिन की सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा अपनी बातें रखूंगा, अपने आसपास के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें घट रही हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। और इस तरीके से हम इस 30 दिन की सीरीज़ को चलाएंगे और 30 दिन तक डेली वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे ये पता चलेगा कि कितना कॉन्फिडेंस चेंज आता है, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग किस प्रकार से हो रही है वीडियो के थ्रू। और मुझे लगता है किसी भी यूट्यूबर को यूट्यूब में आने के लिए सबसे पहले अपने कंटेंट को कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने रखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार का 30 दिन का चैलेंज होगा, जिसमें ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली देख सकते हैं अपन। और जो कुछ भी हेजिटेशन है, जो कुछ भी वर्ड्स नहीं आ रहे हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, या कुछ वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज़ कहीं दब रही है, उठ रही है, और कैमरे के सामने फेस का क्या एंगल है, ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं जब हम किसी भी एज ए यूट्यूबर काम करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे काम करने के लिए मुझे लगता है कि यदि आप इन चीज़ों का खुद ही ऐसे एनालिसिस करें, तो आप भी और हम भी हर व्यक्ति एक यूट्यूबर और एक अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने कंटेंट को, अपने नॉलेज को स्प्रेड कर सकता है। तो इस तरीके से सबसे पहले इसी पे काम करना शुरू करता हूँ, और आज से के दिन से ये चैलेंज शुरू होता है। देखते हैं किस प्रकार से ग्रेजुअल चेंज होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दो जो टूल हैं काफ़ी नॉर्मल इस्तेमाल किया हुआ है, मोबाइल कैमरा है और एक माइक है, जो कि ये 600-700 रुपए का है। नेचुरल लाइट तो मैं भी शूट कर सकता हूँ, या तो फिर ये रूम लाइट है ही, तो रूम लाइट पे भी शूट आसानी से करके इसको डायरेक्ट अपलोड करना है विदाउट एडिट। कोई भी किसी भी प्रकार का एडिट नहीं करना है, और जैसा भी मन में आ रहा है, जो कुछ भी हेजिटेशन है, वो सब कुछ आपके सामने रहेगा। तो इस तरीके से वीडियो को शूट करना है। तो यदि आपको इस प्रकार की चीज़ें और भी आगे देखनी है कि मैं किस प्रकार से 30 दिन तक चलाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर देखते हैं क्या होता है आगे 30 दिन बाद, कैसा एक्सपीरियंस आता है। थैंक यू सो मच।